Hello everyone, welcome back to the BSc classes. Today we are going to start with our new chapter, that is data handling. तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? Data handling. कौन सी क्लास का? क्लास फर्स्ट का 9th chapter. कौन सा chapter? 9th chapter पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है data handling. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग. डाटा हैंडलिंग में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं होता, वो फिगर बेस्ड हमारा होता है, जिसमें फिगर के ज़रिए हम थोड़ा जानते हैं कि हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये इतने शेप्स होते हैं. तो बस ये हमारा नॉर्मल सा सबसे इजी चैप्टर है. कॉज क्या होता है, सबसे इजी चैप्टर, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं डाटा हैंडलिंग पढ़ने का. पर्सनली मैं भी बहुत पसंद करती हूँ ये. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर. चलिए यहाँ एक फिगर दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है नीचे, काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर. क्या करना है हमें, ये जो शेप्स दिए गए हैं इनको काउंट करके हमें यहाँ लिखना है. ठीक, तो सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल. तो आइए हम लोग देखते हैं ट्राइंगल कितने हैं टोटल. ठीक है, ये वन ट्राइंगल, ये टू ट्राइंगल, थ्री ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल, फाइव ट्राइंगल, सिक्स, सेवन, एट. तो टोटल यहाँ कितने हैं, एट ट्राइंगल हैं. ठीक, फिर ये नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16. टोटल कितने हैं अभी तक, 16 ट्राइंगल हैं. 16, ठीक, 17, 18, 19, 20, 21, 22. कितने हुए, 22 ट्राइंगल्स हुए. और कई ट्राइंगल्स नहीं है ना हमारे, तो कितने ट्राइंगल्स हुए टोटल, 22 ट्राइंगल्स हुए. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 22 ट्राइंगल. अब ये क्या बना है, ये सर्कल बना है. क्या बना है, ये सर्कल. अब हम इस पिक्चर में देखते हैं सर्कल्स कितने हैं, वन सर्कल, टू सर्कल, थ्री सर्कल, फोर सर्कल, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. एट कितने सर्कल्स हैं टोटल, एट सर्कल्स हैं. कितने सर्कल्स हैं, एट सर्कल्स हैं. तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ हम लोग एट लिखेंगे. क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. हमारा नेक्स्ट क्या है फिगर, जो कि है स्क्वायर. अब हम देखते हैं स्क्वायर कितने हैं. स्क्वायर देखो, ये वन स्क्वायर, ये टू स्क्वायर, ये थ्री स्क्वायर, ये फोर स्क्वायर, ये फाइव स्क्वायर, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट. कितने स्क्वायर हैं टोटल, एट स्क्वायर. हम स्क्वायर कैसे जाने, इसके सारे साइड्स कैसे हैं, बराबर हैं. क्या है, बराबर है. और रेक्टेंगल में ये देखिए, इसकी जो विड्थ है वो लंबी है, लेकिन जो लेंथ है वो छोटी है. तो आइए हम देखते हैं रेक्टेंगल हमारे पास कितने हैं. देखो ये वन रेक्टेंगल, ये टू रेक्टेंगल, ये थ्री रेक्टेंगल, थ्री रेक्टेंगल, ये फोर रेक्टेंगल, ये फाइव, ये सिक्स, सिक्स, सिक्स रेक्टेंगल और ये सिक्स रेक्टेंगल. कितने रेक्टेंगल हैं, सिक्स रेक्टेंगल है. कितने रेक्टेंगल हैं, सिक्स रेक्टेंगल है. ठीक, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, नेम द शेप्स दैट अकर्स द मोस्ट. अब हमें इसमें क्या लिखना है, ऐसा जो शेप है वो, जो ऐसा शेप का नाम लिखना है कि जो सबसे ज़्यादा होंगे. तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, ट्राइंगल है. क्या है, ट्राइंगल. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राइंगल लिखेंगे. क्या लिखेंगे, ट्राइंगल लिखेंगे. ट्राइंगल कितने हैं, 22 हैं. कितने हैं, 22 हैं. अब इसमें क्या लिखना है, दैट अकर्स द लीड्स. अब इसमें कौन सा है जिसमें सबसे कम है, सबसे कम कौन सा है, सिक्स, जो कि क्या है, रेक्टेंगल है. क्या है, रेक्टेंगल. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगल. कितने रेक्टेंगल्स थे, सिक्स रेक्टेंगल्स थे. कितने रेक्टेंगल्स थे, सिक्स रेक्टेंगल्स थे. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. दीज स्टूडेंट्स आर फ्रेंड्स, काउंट द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन ईच नेमिंग वर्ड्स. अब हमें इसमें क्या करना है, ये सारे दोस्त हैं, सारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं. अब इनमें जितने लेटर्स हैं, जैसे वन टू थ्री, ये लेटर्स को काउंट करना है, यहाँ ना लेटर्स लिखना है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वाला क्या है, सालमा. कितने लेटर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव. टोटल कितने हैं, फाइव है. तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे. अब इसमें देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. टोटल कितने हैं, सिक्स लेटर्स हैं. कितने लेटर्स हैं, सिक्स लेटर्स हैं. अब आइए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, वन टू थ्री फोर. कितने हैं, फोर हैं. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. टोटल कितने हैं, ये
सिक्स लेटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5 कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4 कितने लेटर्स हैं इसमें, इसमें 4 लेटर्स हैं। अब इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कितने हैं, 5 लेटर्स हैं। अब इसमें देखते हैं कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें भी 5 लेटर्स हैं। इसमें कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4 इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसने एक क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी नेम्स हैव 4 लेटर्स, इसमें पूछा गया है ऐसे कितने नाम हैं जिसमें 4 लेटर्स हैं, कितने नाम हैं, 1 नाम है, 2 नाम है और ये 3 नाम है, कितने नाम है, 3 नेम्स है, तो 3 यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी नेम्स हैव 5 लेटर्स, इसमें पूछा गया है ऐसे कितने नाम हैं जिसमें 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स कितने हैं, काउंट करते चलिए, 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4 हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी नेम्स हैव 6 लेटर्स, कितने अब हमें से पूछा गया है ऐसे कितने नाम हैं जिसमें 6 लेटर्स हैं, तो कितने नाम से आइए देखते हैं हम लोग, काउंट करते हैं, 1, 2 कितने हैं, 2 है खाली, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स यस कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कितने नाम हैं जिसमें एस आया है जब उनका नाम लिया गया है, तो देखते हैं हम लोग कैसे कितने नाम हैं। इसमें देखिए एस आया है तो एक नाम हुआ, इसमें भी एस आया है दो नाम हुआ, इसमें एस नहीं आया है, इसमें भी एस नहीं आया है, इसमें भी एस नहीं आया है, इसमें एस आया है तो 3 नाम हो गया, इसमें भी एस आया है तो 4 नाम हो गया, इसमें यस नहीं आया, इसमें भी आ नहीं आया, तो कितना हुआ, टोटल 4 नाम ऐसे हैं जिसमें यस आया है जब हमने उनका नाम लिया तो यस उसमें है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स ए कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर, अब ऐसे कितने नाम हैं जिसमें हम जब नाम लेते हैं उनका तो ए वर्ड आता है। चलिए देखते हैं कितने नाम हैं ऐसे, पहले वाले में ए है 1, ठीक, दूसरे में ए नहीं आया है, तीसरे में ए आया है तो 2 हो गए, तीसरे में चौथे में भी नहीं है ए, इसमें ए है तो 3 हो गए, इसमें भी ए है तो 4 हो गए, इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए है तो 5 हो गए, इसमें भी ए है तो 6 हो गए, कितने हैं टोटल, 6 हो गए, टोटल कितने हुए, 6 नेम्स ऐसे हैं जिसमें ए लेटर नेम आया है जब भी हमने उनका नाम लिया है। फॉर एग्जांपल देखिए, रवि है, अहमद है, आशा है ना, इन सब में लेटर ए आया है। तो आजकल आज हमने क्या पढ़ा, डाटा हैंडलिंग पढ़ा, हमारा देखिए चैप्टर ख़त्म होगा और इतना इजी चैप्टर था, हमने इतनी इजी वे से पढ़ लिया है ना, सबको मज़ा आया ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।